हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अपना कंप्यूटर शब्दावली का पार्ट नंबर 3। मैं कुल टोटल 5 पार्ट बताऊंगा, जिसमें कि 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके, और शब्दावली कंप्यूटर में आपको वो मैं पढ़ा रहा हूँ जो इसके पहले मैं हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ओके, और अब कुछ चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट से सीपीसीटी में पूछी जाती है, चाहे वो डीसीओ या पीजीडीसीओ, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ओके, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, पहले वो पॉइंट अपन लिख लेते हैं। तो पहला जाएगा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, दूसरा जाएगा बेटा अपना क्या, सीडी। इसी में जाएगा एलसीडी, सीडी, डीवीडी, डीवीडी और बीआरडी। ओके, इसी में तीसरा पॉइंट आ जाएगा अपना मॉनिटर। फोर्थ पॉइंट अपना आ जाएगा क्या, जॉयस्टिक। क्या जाएगा बेटा, जॉयस्टिक आ जाएगा, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आ गया, सीडी आ गया, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, जॉयस्टिक। और पांचवा पॉइंट क्या है अपना, वेबकैम। क्या है बेटा, वेबकैम। अब ये होते क्या है, सबसे पहले मैं पांच पॉइंट लिख के डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो ये जो आज की जो शब्दावली है मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी पढ़ा हूँ सारी ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयरों का कलेक्शन है। क्या है बेटा, सॉफ्टवेयरों का कलेक्शन, समूह, सॉफ्टवेयरों के समूह को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन पूछा गया है सीपीसीटी में कि सॉफ्टवेयरों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा राइट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है। ओके, अब ये इसका कार्य क्या होता है, यदि मैं इसके वर्क की बात करता हूं तो सेम प्रोग्राम में, क्या बेटा, सेम प्रोग्राम में एक साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, किया गया है, ये चीज का ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयरों के समूह को इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, बोले तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कलेक्शनों के एकत्रित समूह को इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका यूज काय के लिए होता है बेटा, सेम प्रोग्राम में एक साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो भी सेम प्रोग्राम एक से प्रोग्रामों के साथ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो उसका नाम आएगा बेटा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ये चीज का आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि सीपीसीटी में सीधा पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, एक से प्रोग्रामों में एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, इसके बाद मैं बताता हूँ सीडी हो गया, डीवीडी और बीआरडी, ये सब क्या है बेटा, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है बेटा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब बोलोगे सर ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, तो मैंने इसका भी वीडियो लेक्चर बहुत ही सुंदर अपलोड किया हूँ यूट्यूब में, तो आप जाके देख लेना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है उसे बोला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम किसी भी स्थान से, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, वो भी आसानी से। ओके, तो वो होते हैं क्या, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यहां पर जो शब्दावली है उसमें पूछा गया है कि ये सीडी, डीवीडी और बीआरडी, सीडी, डीवीडी और बीआरडी, सीडी, डीवीडी और बीआरडी, ये किसका भाग है बेटा, ये है अपना ऑप्टिकल डिस्क का। किसका है, ऑप्टिकल डिस्क का। ओके, तो सीडी में, डीवीडी में और बीआरडी में मैं आपको बहुत ही यूनिक अंतर बता रहा हूं,
इन तीनों में बहुत ही यूनिक अंतर ये बता रहा हूं कि सीआरडी का यूज, सीडी का यूज, डीबीडी का यूज और बीआरडी का यूज काय के लिए होता है। तो पहली चीज सीडी देख लीजिए, सीडी ओके, तीनों का कंपेयर कर रहा मैं, डीबीडी और इसी में आ जाता है बेटा एक बीआरडी। क्या जाता है बेटा? बीआरडी। पहली चीज तो आपको सीडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? कंपैक्ट डिस्क। क्या है? कंपैक्ट डिस्क ओके। डीवीडी का क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ओके। बीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लू रे डिस्क। ये तीनों के होते हैं क्या फुल फॉर्म? सीडी का, डीवीडी का और बीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और बीआरडी ओके। इसके बाद दूसरा मैं आपको बताता हूं स्टोरेज कैपेसिटी। तो सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बेटा वो होती है 700 MB, एमबी बोले तो मेगाबाइट ओके। सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB। कहने का मतलब ये है कि सीडी में हम 700 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें डीवीडी की, तो डीवीडी होता है 4.7 GB, गीगाबाइट। जो डीवीडी में स्टोरेज क्षमता होती है, हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में, तो उसका आंसर आएगा बेटा 4.7 GB ओके। बात करें ब्लूरे डिस्क, तो ब्लूरे डिस्क में कितने जीबी तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो आएगा 15 से 30 GB, 15 से 30 जीबी तक के डेटा को बीआरडी में स्टोर किया जा सकता है ओके। तीसरा पॉइंट इसे मैं देता हूं, किसका यूज काय के लिए होता है? तो सीडी का यूज होता है ऑडियो, ऑडियो फॉर्मेट को सेव करने के लिए। अभी बताता हूं, इसका यूज होता है फुल मल्टीमीडिया, फुल मल्टीमीडिया, और इसका यूज भी होता है बेटा फुल मल्टीमीडिया, लेकिन ये पूरा किस में होता है? एचडी में। अब बात ये समझ में नहीं आई कि ये क्या है, ये क्या है, और तीसरा पॉइंट ये क्या है। ऑडियो का मतलब ये होता है कि वो डेटा जो हमें ऑडियो रूप में, ऑडियो मतलब गाने के रूप में, ऐसा डेटा जो हमें सॉन्ग के रूप में, आवाज के रूप में स्टोरेज करते हैं उसे बोलते हैं ऑडियो ओके। तो सीडी में किस प्रकार का डेटा स्टोर होता है? ऑडियो रूप में सीडी के, सीडी में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। डीवीडी में क्या होता है? फुल मल्टीमीडिया। फुल मल्टीमीडिया में क्या आता है? ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, ग्राफिक्स भी आता है, इमेज भी आता है। तो ये सारे प्रकार के डेटा को डीवीडी में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सब नॉर्मल रहेगा ओके। नॉर्मल मतलब एचडी में नहीं रहेगा। और बात करते हैं बीआरडी की, तो इसमें भी फुल मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग वगैरह सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इसमें सारा का सारा किस में रहेगा? एचडी में। अब बोलोगे सर एचडी का फुल फॉर्म क्या है? एचडी का फुल फॉर्म है बेटा हाई डेफिनेशन। क्या है? हाई डेफिनेशन ओके। तो मैं आपको दो पॉइंट क्लियर किया, एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, दूसरा पॉइंट की क्लियर किया कि सीडी, डीवीडी और बीआरडी ये क्या कहलाती हैं, किस लिए इसका यूज होता है ओके। तो फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद अपन तीसरी चीज में चलते हैं जिसका नाम है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कशन करूंगा ओके। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका मैं लॉन्ग वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में युवा कंप्यूटर स्टडी में सारी चीजें अपलोड कर चुका हूं ओके। तो मैंने आपको दो चीज पढ़ा है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और सीडी, डीवीडी और बीआरडी यूज है जो पॉइंट एग्जाम ऑफ पॉइंट से है ओके। इसके बाद अपन आगे चलते हैं और तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है बेटा, ध्यान से समझना,
तीसरा पॉइंट अपना जाएगा बेटा मॉनिटर, क्या है मॉनिटर। अब बोलोगे सर ये मॉनिटर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर अपना कहलाता है। ओके, मॉनिटर क्या कहलाता है, मॉनिटर से होता क्या है, तो मॉनिटर क्या करता है, किसी भी प्रकार के डेटा को हमारी स्क्रीन में सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का कार्य करता है। कौन? मॉनिटर। किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट रूप में, सॉफ्ट डेटा के रूप में दिखाने का कार्य कौन करता है? मॉनिटर। ओके, जैसे आपके यहाँ पर फिल्म चल रही है, कोई भी फिल्म चल रही है। ओके, अब यहाँ पर कोई मूवी चल रही है और आप बोलोगे सर कि ये यहाँ पर हीरोइन है, इस हीरोइन को पकड़ के निकाल लो, तो आप क्या निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। तो मॉनिटर का काम होता है बेटा किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा मॉनिटर। ओके, किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? जिसको छुआ नहीं जा सकता उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ओके, और जिसको पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसे बोला जाता है बेटा हार्ड कॉपी। उसे बोला जाता है बेटा क्या? हार्ड कॉपी। ओके, तो मॉनिटर का काम क्या होता है? किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने का काम मॉनिटर का होता है। अब बोलोगे सर मॉनिटर के प्रकार भी बता दें। बिल्कुल होते हैं, मॉनिटर के प्रकार भी होते हैं। ओके, तो मॉनिटर तीन प्रकार का होता है कलर के हिसाब से। कौन कौन से होता है? कलर के हिसाब से मॉनिटर तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोक्रोम। ओके, दूसरा होता है बेटा ग्रे स्केल, ग्रे स्केल। और जो तीसरा होता है वो कलर मॉनिटर होता है। कौन सा होता है? कलर मॉनिटर। ये तीन मॉनिटर होते हैं किसके हिसाब से? रंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से। मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। अब इसका पूरा विवरण आपको देखना हो तो आप मेरे YouTube चैनल में चले जाना, आउटपुट डिवाइस में। वहां पर आउटपुट डिवाइस में एक मॉनिटर होगा और मॉनिटर की सारी चीजें, मॉनिटर के क्या गुण होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कलर में कितने प्रकार का होता है, अभी साइज के आधार पर भी बताऊंगा। तो ये कलर के आधार पर मॉनिटर तीन प्रकार का होता है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। अब मैं बात करता हूं मॉनिटर साइज के आधार पर। ओके, तो मॉनिटर जो साइज के आधार पर होता है वो कितने प्रकार का होता है बेटा? साइज के आधार पर, बेस ऑफ साइज, साइज के आधार पर जो मॉनिटर होता है बेटा वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। मैं बात करता हूं एल, सबसे पहले टीएफटी, सीआरटी की बात करता हूं, सीआरटी। दूसरा बोला एलसीडी, तीसरा बोला एलईडी और अगला जो बोलता हूं, सीआरटी हो गया, एलसीडी, एलईडी और अगला हो जाएगा टीएफटी। यहां पर मैं आपको केवल और केवल फुल फॉर्म ही बताऊंगा क्योंकि आगे भी शब्दावली आपको पूरा बताना है। ओके, तो यदि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इनपुट और आउटपुट सारी चीजें ए टू जेड यूट्यूब में अपलोड हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ओके, तो आप वहां पर जाके देख लेना। और सबसे पहली बात, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। चलो, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है आप ही बताओ, पेपर देने जा रहे हो, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब बोलोगे सर कैथोड, क्या होता है बेटा? कैथोड रे ट्यूब, ये होता है बेटा सीआरटी का फुल फॉर्म। किसका होता है? सीआरटी का फुल फॉर्म होता है, ये चीज का ध्यान रखना। एलसीडी का क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, सी आर वाई, क्रिस्टल। डी फॉर क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्ले। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आपको ही बताना है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट, ई फॉर इमिटिंग और डी फॉर क्या होता है बेटा? डायोड।
ये होते हैं एलईडी के फुल फॉर्म। अब बताओ टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनके फुल फॉर्म अब पता ही होना चाहिए। अब बोलो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है क्या? बिल्कुल होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये चार होते हैं मॉनिटर बेस ऑफ साइज। साइज के आधार पर मॉनिटर के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीआरटी, एलसीडी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी। ये होते हैं मॉनिटर के प्रकार। किसके आधार पर होते हैं बेटा? ये हो जाते हैं साइज के आधार पर। और यदि मैं कलर के आधार पर बात करता हूँ मॉनिटर का, तो कलर के आधार पर कितने प्रकार के बताया मैं अभी? तीन प्रकार का। पहले प्रकार के मोनोक्रोम, ओके। दूसरा क्या बताया मैंने? ग्रे स्केल, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और एक और होता है कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर, ये मैंने आपको मॉनिटर में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया शॉर्ट रूप में। डिटेल में जाना है तो अभी मॉनिटर के गुण में आएंगे। अब मॉनिटर के गुण क्या होंगे? रेजुलेशन हो गया, पिक्सल हो गया, रिफ्रेश रेट हो गया, ओके, लेटेंसी टाइम हो गया, और अपना बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं किसके? मॉनिटर की। तो यहाँ पर मॉनिटर का डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी प्रकार के डेटा को सॉफ्ट रूप में देखने के लिए मॉनिटर का यूज किया जाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, कलर के आधार पर और साइज के आधार पर। साइज के आधार पर चार और कलर के आधार पर तीन। ओके, प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद अपन अगला पॉइंट नंबर चार है। ये सारे तीन पॉइंट मैंने आपको शॉर्ट रूप में डिस्कशन किया है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है अपना जीएसटी। क्या आता है बेटा? जीएसटी का आता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर दूं कि जॉयस्टिक जो होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है। क्या बेटा? जो जॉयस्टिक होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका सीधा आंसर आएगा, जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। अब बोलोगे फिर कंफ्यूजन की इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस ये चीज क्या है? तो समझो, जॉयस्टिक होता क्या है? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक। क्या है बेटा? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा पॉइंट, यह है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस भी है। क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस भी है। ओके, इनपुट डिवाइस है। इसी में अगला पॉइंट देखो, और सभी दिशाओं में क्या करती है? मूवमेंट कम करने का, मूवमेंट करने का कार्य कौन करता है? जॉयस्टिक। और दूसरा कर्जर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जॉयस्टिक होता है। अब बोलोगे सर कहां पर? पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आप अंतर समझो। देखो जॉयस्टिक होता कैसे है, ये एक प्रकार का क्या है? जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक को अपन जैसे ना बस के गियर होते हैं, गियर को ऐसे पकड़े, इस तरफ भी घुमा दिए, इस तरफ भी घुमा दिए, इस तरफ भी घुमा दिए, इस तरफ भी घुमा दिए। तो यदि मेरे को कर्जर इस तरफ ले जाना है तो इस जॉयस्टिक को इस तरफ करूंगा, कर्जर को इस तरफ करना है तो इस तरफ, नीचे करना है नीचे और अप करना है तो ऐसे कर दूंगा। ओके, तो कर्जर का मूवमेंट अपन चारों ओर कर सकते हैं किसकी सहायता से? जॉयस्टिक की सहायता से। बात करते हैं कि यह है कर्जर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब यदि मेरे को कर्जर यहीं लाना हो रहे हैं पर क्लिक करना है तो आप जॉयस्टिक को हल्का सा ऐसा करिए और बटन में क्लिक कर दीजिए तो आपका कर्जर क्या हो जाएगा बेटा? कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो कर्जर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जॉयस्टिक। सभी दिशाओं में मूवमेंट करने का काम करता है? जॉयस्टिक करता है। ओके, बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब होता है जो एक पॉइंट में काम करता है, जैसे माउस। माउस को आप क्लिक करते हैं तो एक एरो होता है। क्या होता है बेटा? एरो, जिसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? पॉइंटर, पॉइंटर बोला जाता है। एक ही पॉइंट में क्लिक करते हैं और एक कर्जर होता है। ओके,
ये क्या होता है कर्सर और एक क्या होता है पॉइंटर। तो जो एक पॉइंट में काम करे उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और इनपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है भेजता है। जब कोई डिवाइस कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार के डेटा को भेजता है तो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। लेकिन जब कोई इनपुट डिवाइस पॉइंट के रूप में काम करती है तो उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। एक बात मेरी और अच्छे सुन लेना, पांचवा पॉइंट, प्रत्येक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग हो सकती है। प्रत्येक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग हो सकती है लेकिन हर एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट नहीं हो सकती। गलत बोल दिया क्या? प्रत्येक पॉइंटिंग डिवाइस क्या हो सकती है? इनपुट हो सकती है और प्रत्येक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग नहीं हो सकती। सही बात है। जैसे मैं बोला माउस, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस। मैंने बोला कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट तो है लेकिन पॉइंटिंग नहीं है। तो प्रत्येक इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग हो सकती है लेकिन प्रत्येक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट नहीं हो सकती। ओके, तो ये होता है अपना जॉयस्टिक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिएगा। तो मैंने आपको चार पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया। पांचवा पॉइंट देखना उसमें क्या करना है। वीडियो क्या है कुछ लंबी हो रही है ऐसा लग रहा है हमको, तो थोड़ा सा स्पीड से बताने का प्रयास करता हूं। वेबकैम, वेबकैम, अब ये वेबकैम क्या होता है? इसको बोलते हैं वेब वीडियो कैमरा, ठीक है ना, वेबकैम। पहली चीज तो इसका ये पूछा जाता है कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। इसका यूज पहली चीज पिक्चर कैप्चरिंग के लिए और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए। क्या बेटा? ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए वेबकैम का यूज किया जाता है। और तीसरी चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम का यूज किया जाता है और ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए वेबकैम का यूज किया जाता है। ओके, केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वेबकैम में से नहीं पूछा जाता। ओके, क्योंकि डिजिटल कैमरा अलग होता है, DSLR अलग होता है, ओके, और वेबकैम अलग होता है। और ये सारे प्रकार के कैमरा को मैं बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। ओके, इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा बेटा प्रिंटर। क्या आएगा बेटा? प्रिंटर। मैं यहाँ पर प्रिंटर की डेफिनेशन ही बताऊंगा। प्रिंटर की डेफिनेशन क्या है? मैंने बोला यहाँ पर एक क्या है बेटा? प्रिंटर है। ये है अपना एक प्रिंटर। ओके, और यहां पर मैं बोलता हूं कोई इमेज है। क्या है बेटा? इमेज है। मान लो आपकी इमेज है जो आप सेल्फी के द्वारा लेते हो। तो प्रिंटर ससुरा करता क्या है? किसी भी प्रकार की इमेज को, अब बोलोगे सर कैसे, किसी भी प्रकार की इमेज को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? प्रिंटर करता है। या कि सॉफ्ट कॉपी, आप बोलोगे सॉफ्ट कॉपी क्यों? सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है? वो कॉपी, वो डेटा, सॉफ्ट डेटा, वो डेटा जो अपने मॉनिटर के अंदर होता है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं बेटा सॉफ्ट डेटा। तो सॉफ्ट डेटा या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं प्रिंटर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंटर कहा जाता है। बात समझ में आई तो लाइक करें। किसी भी प्रकार की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है बेटा प्रिंटर। क्या बोला जाता है? प्रिंटर कहा जाता है। इसी में एक चीज और देख लो, आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर के बाहर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है, जब कंप्यूटर के बाहर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो उसे बोला जाता है आउटपुट डेटा। और जिस डिवाइस के द्वारा उस डेटा को निकाला जाता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस।
फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर जो मैं आपको बताया। ओके, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करता हूं। अब अगला पॉइंट मैं लिखता हूं बेटा आईटी ट्रेंड, आईटी एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सपर्ट। ये पांचवा पॉइंट ही है, छठवां पॉइंट और ये सात पॉइंट, और सात पॉइंट ही रहेंगे आज, ध्यान रखना। आईटी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, एक्सपो नहीं, एक्सपर्ट, कोई दिक्कत नहीं, लिख जाता है आईटी एक्सपर्ट। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है बताइए आप थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को क्रियान्वित रूप से निगरानी रखने का कार्य किसका होता है बेटा, आईटी एक्सपर्ट का होता है। कि आप सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को क्रियान्वित निगरानी या रख रखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का रख रखाव या निगरानी के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है बेटा क्या, आईटी एक्सपर्ट। या कि दूसरी डेफिनेशन ऐसा बोल देते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के ऊपर रख रखाव की निगरानी करने के लिए जिस तकनीकी का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं आईटी एक्सपर्ट। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, आईटी एक्सपर्ट बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं और भी शब्दावली लेके आऊंगा। अब दो पार्ट और शब्दावली के रहेंगे, फिर अपना कंप्यूटर फिनिश। ओके, शब्दावली में फिनिश हो जाएगा, फिर अपन कुछ और लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज नाइट में मैं आपको एक टैली का वीडियो भी बनाऊंगा, वो रहेगा अपना किसमें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। ओके, तो इस वीडियो को यहीं मैं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल में नए हो तो उसको क्या करें बेटा, एक्टिवेट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।